हेलो एवरीवन, नीलम्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर, चुकंदर और टमाटर का टेस्टी सूप। ये टेस्टी लगने के साथ साथ ये बहुत ही हेल्दी होता है। मैंने इसमें पालक और लौकी को भी ऐड किया है। और हाँ फ्रेंड्स, जिनको हीमोग्लोबिन की कमी है उनको ये सूप ज़रूर पीना चाहिए, इससे उनका हीमोग्लोबिन ज़रूर बढ़ेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको तुरंत मिलें। सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 टमाटर लिए हैं और इनको अच्छे से पानी से धो लिया है। 1 चुकंदर लिया है जिसका मैंने छिलका निकाल दिया है। और ये थोड़ी सी पालक ली है, इसको मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है। ये मैंने थोड़ी सी लौकी ले ली है। और ये 2 गाजर ली हैं, इनका मैंने छिलका निकाल दिया है। अब हम इन सभी सब्जियों को पीसेस में कट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सभी सब्जियों को इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। अब हम प्रेशर कुकर लेंगे और इन सभी सब्जियों को प्रेशर कुकर में डाल देंगे। ये जो हम सूप बनाने जा रहे हैं ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही फायदेमंद है। इसमें आयरन, विटामिन भरपूर मात्रा में होता है, जैसे कि बीट रूट में तो बहुत ही ज़्यादा आयरन होता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें 1 बड़े कप से 1 कप पानी डाल देंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे 3 सीटी आने तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे। तीन सीटी आ चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर का प्रेशर निकलने तक वेट करेंगे। जैसे ही कुकर का प्रेशर निकल जाए हम कुकर का ढक्कन खोल देंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि सारी सब्जियां अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। जैसे ही ये हल्की सी ठंडी हो जाए हम इन्हें मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे और एक इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसे एक बर्तन में स्ट्रेनर की सहायता से छान लेंगे ताकि इसमें जो टमाटर के बीज हैं वो निकल जाएं। और सारा पेस्ट हम स्ट्रेनर में डाल देंगे और इस तरह से चम्मच की सहायता से धीमे धीमे सारा पेस्ट निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने सारा पेस्ट निकाल लिया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच काला नमक डाल देंगे, स्वादानुसार सफ़ेद नमक डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच चीनी डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। चीनी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1/2 कप के लगभग पानी डाल देंगे और गैस ऑन करके इसे मीडियम फ्लेम पर 5-7 मिनट के लिए पका लेंगे। फ्रेंड्स, सर्दियों का सीज़न है और इस सीज़न में गर्मा गर्म कुछ भी पीने का मन करता है और हम चाहते हैं कि वो भी हेल्दी हो, तो ये सूप आप ज़रूर बनाइएगा। ये सूप आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अपनी पसंद से सूप को गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। जब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से दिखने लगे तब गैस को ऑफ कर दीजिए। इस स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये हमारा टेस्टी और हेल्दी सूप बनकर तैयार है। अब हम इसे गर्मा गर्म ही सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको ये सूप कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।